श्रीमान एसपी साहब जीआरपी अजमेर के आदेशानुसार वे श्रीमान एडिशनल एसपी साहब डीवाईएसपी जीआरपी अजमेर के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 24/7/19 को गश चेकिंग बदमाशन के दौरान मुझे हेड कांस्टेबल खलील अहमद द्वारा व रंजीत सिंह हेड कांस्टेबल व गठित टीम द्वारा चेकिंग के दौरान तोपदड़ा साइट से झाड़ियों की तरफ से रेलवे स्टेशन अजमेर की तरफ एक शख्स दो बैग एक जो कंधे पे लटका रखा था एक हाथ पे लिया हुआ था आता हुआ नज़र आया, जो हम जाब्ता को देखकर घबरा के तेज चलने लगा, जिस पर शक होने पर हमने उससे रोक कर बैग वजनी लगने के कारण पूछताछ की। वे बैग की तलाशी ली गई तो बैगों में हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब ऑफिसर चॉइस विस्की मिली 30 बोतलें, जिसके बारे में लाइसेंस परमिट के लिए पूछा गया था, नहीं होना बताया, जिसे अवैध अंग्रेजी शराब होने के कारण जब्त किया गया। वे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ये मुलजिम उक्त शराब को गुजरात ले जाना बता रहा था अहमदाबाद के लिए। यहाँ की कीमत तो 10-12 हज़ार रुपये करीब होगी और गुजरात में तो शराब बंदी है तो अधिक हो सकती है। खलील अहमद हेड कांस्टेबल नंबर 58 जीआरपी थाना अजमेर।